हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 12 वोल्ट की बैटरी को 12012 में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा और होम थिएटर की प्लेट को भी चला कर दिखाऊंगा। हमारे पास है पच्चीस वोल्ट 4700 UF की दो कैपेसिटर, इसके बाद हमारे पास है दो डायवर्ट, ठीक है, 5408 की दो डायवर्ट है, और हमारे पास है 330 ओम्स की दो रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी की मदद से आज हम आपको 12 वोल्ट के बैटरी को 12012 में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा और होम थिएटर के प्लेट को भी इसी से चला कर दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने पास ये जो डायवर्ट है इसकी माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट को हम एक साथ जोड़ देंगे। ये प्लस पॉइंट है, जिस तरह पे सफेद निशान बनी हुई है ये प्लस पॉइंट है और दूसरी तरफ माइनस पॉइंट है, ठीक है। तो हम इसकी प्लस पॉइंट और इसकी माइनस पॉइंट को एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारे डायवर्ट जुड़ चुके हैं, माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट को हम एक साथ जोड़ दिए। अब हमारे पास जो कंडेंसर है कैपेसिटर, 25 वोल्ट 4700 UF के कैपेसिटर है, इसको क्या करेंगे, हम कैपेसिटर की जो माइनस पॉइंट है और इसकी प्लस पॉइंट, एक की माइनस पॉइंट एक की प्लस पॉइंट को हम एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। एक साथ जोड़ लेंगे, इस तरह से एक साथ जोड़ लेंगे। देखिए ये हमारे कैपेसिटर जुड़ चुके हैं, माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे ये जो डायवर्ट है, डायवर्ट का हम क्या करेंगे, डायवर्ट को हम, डायवर्ट का जो प्लस पॉइंट है और कैपेसिटर के प्लस पॉइंट है, कैपेसिटर के जिस तरफ कोई निशान नहीं होती है वो प्लस पॉइंट होती है और जिस तरफ ये निशान वाली है माइनस पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, अपना ये जो डायवर्ट है, डायवर्ट की प्लस पॉइंट और कैपेसिटर के प्लस पॉइंट को जोड़ लेंगे, दूसरी तरफ डायवर्ट की माइनस पॉइंट और कैपेसिटर की माइनस पॉइंट को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं हमारे कैपेसिटर और डायवर्ट आपस में जोड़ दिए हैं, कैपेसिटर की माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट एक साथ जोड़ दिए, और आपका ये जो डायवर्ट है, डायवर्ट के प्लस पॉइंट ये है, डायवर्ट के प्लस पॉइंट कैपेसिटर के प्लस पॉइंट, डायवर्ट की माइनस पॉइंट कैपेसिटर के माइनस पॉइंट एक साथ जोड़ दिए। अपने पास क्या हुआ, एक दो तीन पॉइंट हुआ है, ठीक है। बैटरी का प्लस पॉइंट पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा और बैटरी की माइनस पॉइंट नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अगर हम इससे बैटरी से इसको कन्वर्ट करेंगे अभी तो ये पावर नहीं देगा, ठीक है। अब 012 के ट्रांसमीटर से, 012 की जो ट्रांसफार्मर होता है उससे तो 12012 हो जाएगा, लेकिन बैटरी से 12012 ना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए 303 ओम्स की दो रेजिस्टर, हाफ क्वार्टर की रेजिस्टेंस है, इसको हमें लगाना पड़ेगा। इसको हम कैसे लगाएंगे, दोनों को हम इस तरह से जोड़ लेंगे, ठीक।
जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से लगाएंगे। यहाँ लगा देंगे इसको, ठीक है। ये जो माइनस पॉइंट है और जो बीच का ये जो टर्मिनल है, यहाँ से हम ये माइनस पॉइंट यहाँ ले लेंगे, ठीक है। देख लीजिए, हमने यहाँ पे 330 ओम्स की दो रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया है, इस तरह से लगना है। अभी यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, अगर आपको 12 वोल्ट के बैटरी से 12012 में कन्वर्ट करना है और होम थिएटर की प्लेट चलाना है, तो फिर आपको यहाँ पे 330 ओम्स की दो रेजिस्टर लगाना जरूरी है। अगर इसको आप यहाँ नहीं लगाएंगे तो होम थिएटर की प्लेट नहीं चल पाएगा, बैटरी से नहीं चल पाएगा। आप 012 से तो कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन बैटरी से चलाने के लिए आपको यहाँ पर 330 ओम्स की दो रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं करेंगे तो होम थिएटर की प्लेट नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इससे वोल्टेज चेक कर लेते हैं और होम थिएटर की प्लेट को चला कर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, बैटरी की कनेक्शन कुछ इस तरह से करना है, ठीक है। पॉजिटिव प्लस पॉइंट दोनों डायोड के बीच में लगना है और नेगेटिव माइनस पॉइंट दोनों कंडेंसर की जो कैपेसिटर है इसमें लगना है, ठीक है। तो अपने पास होगा 12012, ठीक है, 12012, ठीक है। अब मैं आपको वोल्टेज चेक कर लेते हैं, आप है ना, मल्टीमीटर से हम इसकी वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। बारह पॉइंट सिक्स नाइन इसमें 12.68, ठीक है। ये होगा आपका 12, ठीक है, 12012, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारे पास 2050 TDA 2050 के होम थिएटर के प्लेट है, 2050 की 4 TDA 2050 IC लगी हुई है। इसको हम इस 12 वोल्ट की बैटरी की मदद से चलाएंगे, ठीक है। बारह जीरो बारह, ठीक है। इसको हम यहाँ नहीं लगाएंगे, हम इसको लगाएंगे, ये देखिए मैंने कनेक्शन कर रखा है, ये ग्राउंड है, ये 12012, ठीक है, यहाँ लगाएंगे हम। इसकी जो डायोड लगी हुई है, इस डायोड से नहीं लगाएंगे हम, सीधा सप्लाई देंगे हम इसको, ठीक है। हमें इस डायोड पे नहीं लगाना है, हमें बस सीधा सप्लाई दे देना है, ग्राउंड देना है और माइनस प्लस जो नेगेटिव पॉजिटिव उसी पे कनेक्शन करना है, यहाँ नहीं करना है, इस पर नहीं लगाना है हमें, ठीक है। इसलिए मैंने एक BT पैनल लगा रखा है, BT USB पैनल है, बेस वॉल्यूम में बेस स्पीकर के बाहर है और आपका नॉर्मल स्पीकर ये लगी बेस है, 8 इंच का बेस है और 6 इंच का स्पीकर, ठीक है। 2050 के होम थिएटर के बोर्ड है और इस पर हमने डायरेक्ट बैटरी से सप्लाई देके इसको चला कर दिखाते हैं अभी आपको। ये हमारे 12 वोल्ट की बैटरी है, देख सकते हैं अभी जो हमने बनाया है डायोड कंडेंसर और 330 की रेजिस्टेंस से बनाया है, तीन सप्लाई वाले। और मैं आपको अभी इसको बैटरी से चला कर दिखाते हैं। Bluetooth mode. Paired.
वॉल्यूम कंट्रोल है, ठीक है, ये वॉल्यूम कंट्रोल है। हमने जो अभी छोटी सी सर्किट बनाए हैं कन्वर्टर है, 12 वोल्ट को, 12 वोल्ट बैटरी को अपन इससे 12012 में कन्वर्ट किया है, ठीक है, देख सकते हैं। 25 वोल्ट 47 यूएफ की दो कैपेसिटर, 330 रेजिस्टेंट, 330 ओम्स की रेजिस्टेंट और 5408 की दो डायोड का इस्तेमाल किया, जिससे अपन ने 12 वोल्ट की बैटरी को 12012 में कन्वर्ट किया और हमारे 2050 की जो होम थिएटर का प्लेट है इसको हम आपको चला कर दिखाएंगे अभी, ठीक है। अब भी चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं और किसी भी होम थिएटर को आप बैटरी की मदद से चला सकते हैं, ठीक है। एक बार और आपको हम इसको प्ले करके दिखा देते हैं। देखिए हमारे बैटरी से कुछ नहीं जुड़ा और वो स्पीकर के बाहर है, स्पीकर लगी हुई है, सबवूफर है, स्पीकर है, कोई अलग से करंट की डोरी बैटरी में नहीं लगी है, ठीक है। ये सीधा बैटरी के सप्लाई से, बैटरी की मदद से हम होम थिएटर के बोर्ड को चला रहा है। एक बार और चला के दिखा देते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ मोड पेयर्ड।